इससे पिछले लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का आपस में क्या रिलेशन होता है। फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, कोई से भी दो नंबर हैं ए और बी, तो उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। नेक्स्ट में अरिथमेटिक मीन के लिए सिर्फ a, ज्योमेट्रिक मीन के लिए g और हार्मोनिक मीन के लिए h यूज करूंगा। कोई से भी दो नंबर a और b हो तो उनके दरमियान ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। अगर हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की, तो ये हमारे पास होगा ए प्लस बी ओवर टू मल्टीप्लाइड बाय 2ab ओवर ए प्लस बी। तो यहां से ही देखें तो ये हमारे पास टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इस ए प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू ए बी। और अगर हम इस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर लें तो ये हमारे पास ए बी ही आता है, ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। सो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। एक नंबर्स लेके हम भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू 5 हो, तो तब भी हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू -1 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 2। हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाएगा 2ab ओवर a प्लस बी, 2 इंटू -1 इंटू 5 ओवर -1 प्लस 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/2। और ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट iota। अब अगर मैं अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट फाइंड करूं ए मल्टीप्लाइड बाय एच, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -5/2 विच इज इक्वल टू -5। और इस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर लूं तो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू -5 एज आयोटा स्क्वेयर इज -1, और ये हमारे पास 5 स्क्वेयर रूट्स की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वेयर इज -5। तो यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वेयर के इक्वल आते हैं। यहां से एक और चीज भी हमें वाजे होती है कि अगर हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और वो इस टर्म के स्क्वेयर के इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो हैं, ये हमारे पास
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही ऐसा होता है कि हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म है, अगर इसका स्क्वायर लें तो ये इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आती है, जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में स्टडी भी किया। तो एक चीज़ हमने अभी तक देखी कि अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आते हैं, ए क्रॉस एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर ए मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर है तो ए जी और एच जो हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हैं। अब हम ये देखेंगे कि तीनों में से ग्रेटर कौन सा है और फिर उससे लेस कौन सा है और उससे लेस कौन सा है। हम स्टार्ट में ये देख लेते हैं, लेट हम कर लें कि ए इज ग्रेटर देन एच, कि अरिथमेटिक मीन जो है ये ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है ए प्लस बी बाय टू, ग्रेटर होगा टू ए बी ओवर ए प्लस बी से। अगर हम इस चीज़ को प्रूव कर दें कि ए प्लस बी ओवर टू जो है ये ग्रेटर है टू ए बी ओवर ए प्लस बी से, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि अरिथमेटिक मीन जो है ये ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन फोर ए बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस फोर ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वेयर बनता है ए माइनस बी होल स्क्वेयर का इज ग्रेटर देन जीरो। और जैसे कि हमें पता है कि कोई भी दो नंबर्स हों और उनका जो कंप्लीट स्क्वेयर है वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, सो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सिमिलरली अगर हम ये प्रूव करें कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो इसी तरीके से हम यही प्रूव कर देंगे कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन है ए प्लस बी ओवर टू, ये ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि हमारे पास होता है प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर रूट। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा ए प्लस बी इज ग्रेटर देन प्लस माइनस टू ए बी स्क्वेयर रूट, और ए प्लस बी प्लस माइनस टू ए बी स्क्वेयर रूट इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वेयर बन जाएगा ए प्लस माइनस सॉरी ए स्क्वेयर रूट प्लस माइनस बी स्क्वेयर रूट के दरमियान ग्रेटर देन जीरो, और कंप्लीट स्क्वेयर हमारे पास हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, सो अरिथमेटिक मीन इज आल्सो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है ये हमारे पास ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है ये हमारे पास ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से, जब हमारे पास ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के दरमियान हों, या इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जब हमारे पास ए और बी नेगेटिव नंबर्स हों, नेगेटिव रियल नंबर्स हों, तब हमारे पास अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन इफ ए एंड
बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। तो जिस तरीके से ये मैंने प्रूव किए हैं कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूलाज के ज़रिए और फिर वहाँ से प्रूव कर दिया अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेटिक मीन, ये प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली आप इनको खुद प्रूव करेंगे कि ज्योमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन जब हमारे पास ये पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और जब नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे तो तब आप इनकी जगह पे ए और बी की जगह पे नेगेटिव नंबर्स की वैल्यूज पुट करेंगे और खुद प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप उनको प्रूव कर लेंगे कि जब हमारे पास ए और बी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे तब हमारे पास अरिथमेटिक मीन लेस होगा ज्योमेटिक मीन से और ज्योमेटिक मीन लेस होगा हार्मोनिक मीन से। सिमिलरली जब ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक।